ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन ने 25 नवंबर को चक्का जाम की चेतावनी दी। बता दें कि इन सब की मुख्य 11 मांगे हैं जिनको लेकर के आज एक प्रेस वार्ता की गई। मीडिया के सामने एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि इससे पहले भी ये जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर गए थे, लेकिन वहां पर भी उनसे केवल ज्ञापन लेकर लौटा दिया गया। और अब ये ट्रक यूनियन आगामी 25 नवंबर को चक्का जाम करने जा रही है। देखिए इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की यूनियन प्रेस अधिकारियों के साथ खास बातचीत। आगामी 25 नवंबर को चक्का जाम के लिए आह्वान किया गया है और ट्रक यूनियन पूरी तरीके से इस बार सख्ती से इस चक्का जाम को करने जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक अधिकारी, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से चक्का जाम किया जा रहा है, क्या क्या मांगे आपकी? सर, मैं प्रदेश अधिकारी प्रेम सिंह आपकी संज्ञान में बात डालना चाहता हूँ कि हमारी सरकार से कुछ मांगे थी, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो पहले 17,000 रुपये थी, अब आज की डेट में 50 से लेकर 55,000 रुपया है, जो कि हम देने में असमर्थ हैं। तो थर्ड पार्टी इमीडिएट कम की जाए। गाड़ी पहले 15 साल पास होती थी तो अब 10 साल गाड़ी की लाइफ रह गई है, क्योंकि जो भी गाड़ी मान लो हम 15 लाख की लेते हैं तो 4 साल में गाड़ी की जब तक हम किस्त देते हैं हम 15 लाख रुपया टैक्स दे चुके होते हैं, 15 लाख के ऊपर 15 लाख टैक्स दे चुके होते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस गाड़ी को 15 साल किया जाए और टोल टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कहीं भी हमारी गाड़ी जाती है जितना भाड़ा हमें अप डाउन में नहीं बचता उससे ज़्यादा का टोल टैक्स होता है, चाहे गाड़ी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जाए। यानी ये माना जाए पूरे देश भर में जो ट्रक चलते हैं सभी यूनियंस को परेशानी है, सभी ट्रक मालिकों को परेशानी है इससे? सर, सबको परेशानी है, हमारा कारोबार बंद होने के कगार पे है और ट्रांसपोर्ट जब तक गवर्नमेंट कुछ रियायतें नहीं देंगी तो हमारा बिजनेस जो है सर्वाइव नहीं करेगा। इस बाबत पे कहीं बात हुई किसी मंत्री जी से या किसी से? नहीं, हमने बात करने की कोशिश की, जंतर मंतर हम गए थे, हमने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को और गडकरी जी को ज्ञापन दिया था, पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और मजबूर हो गए हम 25 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं। ऐसे में ये नाराज़गी है कि 25 तारीख को आप हड़ताल पे जा रहे हैं, चक्का जाम किया जाएगा, क्या कहेंगे? नहीं सर, नाराज़गी है, जब हम पैसे देने में, इतने टैक्स देने में समर्थ ही नहीं है, भाड़े कम हैं तो हमारी मजबूरी है, डीजल है इतना महंगा हो गया है, वो GST के अंदर में सरकार ला नहीं रही है, तो बहुत किस्म की हमारे साथ समस्याएं हैं और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। अपने 11 मुद्दों को लेकर ट्रक यूनियन पूरी तरीके से हड़ताल की बात कर रही है, चक्का जाम किया जाएगा 25 नवंबर, आने वाली 25 नवंबर को इस पूरे इलाके में सभी ट्रक अपनी जगह पर रुक जाएंगे और उसके बाद चक्का जाम किया जाएगा। सैकड़ों की संख्या में वहां पर ट्रक ड्राइवर, ट्रक यूनियन और तमाम वो लोग जो खासा परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। फिलहाल जो सरकार है उसको चेताया जा रहा है कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं उनको मान लिया जाए और अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इनकी मांगों को किस तरीके से मांगती है। विजिल हिमांशु के साथ जितेंद्र भाटी, Live24 गाजियाबाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Live24।